हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुकुल्स और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एल्फ्रेड एडलर्स इंडिविजुअल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं अबाउट दिस थ्योरी इससे पहले कि हम उसके थ्योरी के बारे में जाने चलिए जान लेते हैं अबाउट एल्फ्रेड एडलर वो कौन थे एल्फ्रेड एडलर एक फेमस साइकोलॉजिस्ट या साइकट्रिस्ट जिनको बोल सकते हैं जिनका जन्म जो है फेबररी सेवन अट्ठारह एंड एटीन को हुआ था एंड ही डाइड ऑन मे ट्वेंटी एट नाइनटीन थर्टी सेवन इनका जन्म वियना में हुआ था ऑस्ट्रिया में एंड इनकी जो मेजर चाइल्डहुड था वो कुछ काफ़ी अच्छा नहीं था क्योंकि जब वो दो साल के थे उनको रिकट्स हो गया था एंड बाय द एज फोर इनको निमोनिया हो गया था दो साल पे रिकट्स हो गया था एंड फोर ईयर पे उनको निमोनिया हो गया था जिसकी वजह से ड्यू टू दीज हेल्थ प्रॉब्लम्स ही डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर और अ फिजिशियन एंड उन्होंने मेडिकल डिग्री हासिल ली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ द वियना इन एटीन मगर इन्होंने जब मेडिकल डिग्री हासिल कर ली तब उनका रुख सेक्रेटरी की तरफ हो गया और उन उनकी मुलाकात हुई सिगमेंट फ्रीव से उनके साथ वो काम करने लग गए और साइको एनालिसिस का काम करने लग गए एंड उनके साथ उनकी थ्योरी में काम किया एंड दो बार जो है वो साइको एनालिटिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रहे तो यहाँ पे इनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा उन्होंने उनके साथ काम किया कुछ दिनों तक बट उसके बाद उनके विचारों में मतभेद आ गया किन के विचारों में सिगमेंट फ्रूड और एल्फ्रेड एडलर के विचारों में मतभेद आ गया जब वो पर्सनैलिटी के ओर काम कर रहे थे तब उन्होंने अपनी खुद की पर्सनालिटी पर्सनैलिटी थ्योरी दी जो कि आज इंडिविजुअल साइकोलॉजी इंडिविजुअल साइकोलॉजी कि आप बोल सकते हैं कि ओरिजिनेशन इन्होंने ही दिया इन्होंने अपनी दी जो कि कैसे फेमस है एल्फो एडल्स इंडिविजुअल पर्सनालिटी थ्योरी उनमें इन्होंने क्या डिफरेंट किया सिगमेंट फ्रीवड से उन्होंने बोला कि एक तो उन्होंने ये माना ही बिलीव डेट ये जो थ्योरी है बहुत यूनिक है क्योंकि तब तक किसी ने भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं किया था एंड एडलर की थ्योरी सिर्फ फ्रीवड से इसलिए डिफरेंट थी क्योंकि उन्होंने डिस्कस किया था इन्होंने माना था कि एडलर का कहना था कि जो पर्सनालिटी है वो कैसे डेवलप होती है व्हेन द ह्यूमन बिहेवियर इज ड्राइव टुवर्ड द नीड टू ओवरकम द फीलिंग ऑफ इंफेरियोरिटी वेयर एज फ्रीवड का क्या था एल्फ्रेड एडलर की कुछ कुछ थ्योरी जो है फ्रीवड से सेम थी सिमिलर टू फ्रीव पर्सनैलिटी थ्योरी थी बट एक्सेप्ट कि एडलर्स उन्होंने बोला कि एडलर्स ड्राइव फॉर ह्यूमन बिहेवियर इज़ द नीड टू ओवरकम द फीलिंग ऑफ इन्फ्रियोरिटी इसको हम और जानेंगे जब मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगी उन्होंने माना था कि एक हर एक इंसान की एक नीड होती है टू ओवरकम द फीलिंग ऑफ़ इंफ्रियोरिटी जो उसमें इन्फ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स है या है उसको ओवरकम करना एंड उसके प्रति इंसान निरंतर काम करता रहता है और ताम्र काम करता है ऐसा एल्फ्रेड एडलर का मानना था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इंडिविजुअल साइकोलॉजी की पर्सनैलिटी थ्योरी दी नाउ एडलर वॉज वेरी एडमेंट टू अंडरस्टैंड फुली एज एन इंडिविजुअल उनका मानना था कि मैं एक पर्सन को फुली देखता हूँ इंडिविजुअल को फुली तरीके से समझना चाहता हूँ एंड इसके लिए वो उन्होंने इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर किया एंड कंसिडर करके हेयर वाई उन्होंने अपने स्कूल ऑफ़ साइकोलॉजी को क्या नाम दिया इंडिविजुअल स्कूल ऑफ़ साइकोलॉजी एंड उनकी थ्योरी जो है इसीलिए इंडिविजुअल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के नाम से फेमस है चलिए तो जानते हैं अबाउट द एडलर्स पर्सनैलिटी थ्योरी उन्होंने क्या क्या बताया अपनी थ्योरी में उन्होंने मेजरली फाइव कॉम्पोनेंट्स बताए फर्स्ट इज कॉम्पनसेशन ओवर कॉम्प सेकेंड इज द ओवर कॉम्पनसेशन थर्ड इज़ इन्फ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स फोर्थ इज द सुप्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड फिफ्थ इज द बर्थ ऑर्डर हम वन बाय वन सब को डिस्कस करेंगे ना फर्स्ट डिस्कस फॉर द कॉम्पनसेशन फॉर द वीकनेस इसका क्या तात्पर्य है इससे उनका क्या कहना था उनका मानना था एडलर का मानना था कि ऑल इन्फेंट्स हैव अ फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी एंड एन इन एडिक्वेसी उन्होंने बोला कि हर एक इंसान में दो चीज़ें होती हैं जब वो पैदा होता है इस दुनिया में इस दुनिया में वो इन दो चीज़ों के साथ लेकर पैदा होता है वन इज़ द इंफेरियोरिटी एंड टू इज़ द इन एडिकुएसी एंड इमीडिएटली एज दे बिगिन टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड जैसे दुनिया में आते हैं उनको एक इन्फेरियोरिटी इन एडिक्वेसी का पूर्वाभास रहता है एंड दीज अर्ली एक्सपीरियंसेस सच एज द नीड ऑफ गेन ऑफ द पेरेंट्स अटेंशन शेप्स द चाइल्ड्स अनकॉन्शियसनेस उनका मानना था कि यही उनकी भावना यही उनकी एक्सपीरियंसेस की वो पेरेंट्स की अटेंशन चाहते हैं वो जो है उनके अनकॉन्शियस पर्सनालिटी को शेप करता है मतलब रंग रूप देता है दे गिव द चाइल्ड नीड टू स्ट्राइव टू वार्ड द रेक्टिफाइंग दैट इन्फेरियोरिटी उनका मानना था कि तभी से बच्चा जो है निरंतर प्रयास करता रहता है इस इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को कॉम्पनसेट करने के लिए ताकि उसमें वो स्ट्रेंथ डेवलप हो तो वो निरंतर किस चीज़ के लिए प्रयास करता रहता है टू कॉम्पनसेट फॉर द वीकनेस बाय डेवलपिंग द अदर स्ट्रेंथ तो जब एक बच्चे को भरपूर प्यार मिलता है नर्चरिंग मिलती है केयर मिलती है तो चाइल्ड कैन एक्सेप्ट हिज चैलेंजेस एंड लर्न दैट दे कैन ओवरकम विद द हार्डवर्क तो जब ये पूरा अच्छे तरीके से उसको प्यार लाड दुलार मिलता है तो इन चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट कर लेता है और अपने हार्डवर्क से ओवरकम कर पाता है तो ये बताया एल्फ्रेड एडलर ने कि कॉम्पनसेशन फॉर वीकनेस एक बच्चा जो है बचपन से ही अपनी वीकनेस के कॉम्पनसेशन में लग जाता है जो कि उसके पर्सनैलिटी को रंग और रूप देता है नौ सेकेंड कंसेप्ट उन्होंने दिया ओवर कॉम्पनसेशन ओवर कॉम्पनसेशन में उन्होंने क्या बताया ये सेकेंड कॉम्पनसेशन ओवर कॉम्पनसेशन उन्होंने कहा वैन द प्रोसेस ऑफ कॉम्पनसेशन गोज़ एवरी एवरी मीन्स जब गलत हो जाता है मतलब या उनको अच्छे से लाड प्यार दुलार नहीं मिलता है या कुछ अभाव आ जाता है तब ये जो है डिफरेंट रूट ले लेता है डिफरेंट रूट कैसे ले लेता है कि जो फीलिंग ऑफ इंफेरियोरिटी है वो बनी रहती है अगर उसको प्यार लाड दुलार अच्छे से नर्चरिंग मिलती है तो वो इन्फ्रियोरिटी कॉम उसको नहीं उत्पन्न होती है, और वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी नीड्स को पूरी कर पाता है मगर जब ये प्रोसेस सही नहीं होता जब उसको प्रॉपर नर्चरिंग या केयर नहीं मिलती है तो इसकी रूपरेखा डिफरेंट हो जाती है विच वेयर दिस इन्फ्रियोरिटी कॉम बिकम्स टू इंटेंस जब यह बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है एंड एज अ चाइल्ड बिगम्स टू फील एज दो ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर इज द सराउंडिंग और जब उसको लगता है कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है सराउंडिंग में तो उसको बहुत इन्फ्रियोरिटी फील होता है एंड इसको पूरा करने के लिए वो और स्ट्रेनुअस्ली काम करता है और हार्डवर्क करता है कॉम्पन्शन के लिए टू द पॉइंट दैट कॉम्पन्शन इज नो लॉन्ग सेटिस्फैक्ट्री उस अंत तक काम करता है जब उस जब तक वो ओवर कॉम्पन्सेशन नहीं हो जाता या उस कॉम्पन्सेशन का को कोई सेटिसफेक्ट्री नहीं मिलता फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्टेप मदर का एक बच्चे की जो माँ है वो एक्सपायर हो गया स्टेप मदर आई है उसका बिहेवियर उस बच्चे के प्रति ठीक नहीं है बच्चा निरंतर प्रयास करता रहता है प्यार के लिए और इन सब चीज़ों के लिए मगर वो माँ जो है उसको वो सब नहीं देती उसका अभाव रह जाता है बट बच्चा फिर भी कॉम्पनसेट करने के लिए प्रयास करता रहता है करता रहता है करता रहता है फिर भी उसको वो चीज़ नहीं मिलता तो उसमें वो ऐसी इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मेकअप बन जाता है तो दिस कलमिनेट्स टू द स्टेट ऑफ द ओवर कॉम्पनसेशन इस स्टेट को एल्फ्रेड एडलर ने क्या कहा है ओवर कॉम्पनसेशन कहा है वेयर द चाइल्ड फोकस ऑन मीटिंग हिज गोल इज एक्जेगरेटेड एंड बिकम्स द पैथोलॉजिकल मतलब वो स्टेट जहाँ पे बच्चा जो है अपने एफर्ट्स को एग्जैगरेट कर देता है मतलब बियॉन्ड द लिमिट हंड्रेड परसेंट से ऊपर और वो बिकम पैथोलॉजिकल हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल वो मदर जो स्टेप मदर उसको मारती है फिर भी वो बच्चा उसी से प्यार करता रहता है उसी से उसे लगाव रहता है तो ये एग्जैगरेटेड हो जाता है और आगे जाके ये पैथोलॉजिकल चीज़ का रूप ले लेता है पैथोलॉजिकल डिजीज या सकेट्रिक डिजीज साइकोलॉजिकल डिजीज़ का रूप ले लेता है तो ये था अबॉट दी ओवर कॉम्पेंसेशन जो एल्फ्रेडल ने दिया और सेकेंड ना ओ लेट्स मूव ऑन टू द ओवर कॉम्पनसेशन ओनली विच कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड लैक ऑफ़ द सेल्फ़ एस्टीम जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि उससे इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो सकता है और बच्चे का सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन हो जाएगा जिससे कि ही विल बी अनेबल टू रेक्टिफाई द फीलिंग्स ऑफ द इन्फ्रियोरिटी जो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है वो उसके अंदर घर कट जाती है एंड उसका सेल्फ स्टीम भी बहुत लो हो जाता है सो द हॉलमार्क ऑफ द इन्फ्योटी कॉम्प्लेक्स इज़ दैट द पर्सन इज ऑलवेज ट्राइविंग टू फाइंड आउट द सिचुएशन इन विच दे कैन एक्सेल एंड इसको हम कैसे देख सकते हैं जब इन्फ्योटी कॉम्प्लेक्स एक पर्सन के अंदर घर कर जाता है तो एल्फ्रेड एडलर का कहना था कि हम इसके कैसे पहचान सकते हैं उनको पहचान जब एक बंदा जो है एक इंसान जो है वो निरंतर प्रयास करता रहता है हर सिचुएशन में एक्सेल होना परफेक्शनिस्ट होना होना तो इसके पीछे क्या होती है साइकोलॉजी की दिल इज ऐवर फीलिंग ऑफ द इन्फ्रियोरिटी वो इसलिए कर रहा होता है ताकि जो इन्फ्रियोरिटी फीलिंग उसके अंदर है वो ख़त्म हो जाए उसकी वो नीड टू ओवरकम और टू कंपनसेट द फीलिंग्स ऑफ इन्फेरियोरिटी वो हो जाए इसलिए वो परफेक्शनिस्ट और निरंतर एक्सेल करने की कोशिश करता रहता है ना ये जो टू इसके टू कॉम्पोनेंट्स बताएँ इन्फेरियोरिटी को अभी ने टू तरह के बताए है। हैं वन इज द प्राइमरी एंड अदर वन इज द सेकेंडरी आइए पढ़ते हैं बॉर्ड द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी टाइप ऑफ द इन्फेरियोरिटी ना प्राइमरी इन्फेोरिटी का उनका मतलब क्या था कि ये बहुत ऑरिजिनल और नॉर्मल फीलिंग्स होती हैं ऑरिजिनल नॉर्मल फीलिंग्स होती हैं विच इज मेन्टेन बाई एन इन्फेंट क्यों क्योंकि ये प्रोडक्टिव होती हैं एंड एक बच्चे को मोटिवेट करती हैं टू द डेवलप वेयर एज जो सेकेंड जो सेकेंडरी इंफेरियोरिटी होती है ऑन द अदर हैंड इज द इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स इन विच एडल्ट रिजल्ट वैन द चाइल्ड डेवलप द एग्जैगरेटेड फीलिंग ऑफ द इन्फेरियोरिटी जैसे कि मैंने बताया ये तब डेवलप होती है जब बहुत एग्जैगरेशन हो जाती है इन्फरिटी कॉम्प्लेक्स की है ना एंड ये जो फीलिंग्स हैं बहुत हार्मफुल होती हैं क्योंकि ये पर्सनालिटी में इंफ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स का वास कर देती हैं तो बेसिकली प्राइमरी इंफ्रियोरिटी जो आता है वो प्रोडक्टिव भी होता है एक तरीके का बट सेकेंडरी जो है हार्मफुल होता है ऐसा एल्फ ने बताया नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया अबाउट दिस सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना सुप्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे क्या मतलब है सुप्रोरिटी कॉम्प्लेक्स अगर वैन द पर्सन हैज अ नीड टू इम्प्रूव दैट ही इज़ मोर सुपीरियर दैन ट्रोली हिज यहाँ पे इसका मतलब है कि जो इंसान नहीं है और उससे ऊपर दिखाने की कोशिश करे उसको सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एल्फ्रेडल ने बताया है जैसे कि कोई बच्चा है वो बहुत इंपॉर्टिनेंट है एरोगेंट है गुस्सा है बार बार में एटीट्यूड शो करता है एंड उस पर उन्होंने काम किया और साइकोथेरेपी से पता चला रिवील हुआ कि दैट चाइल्ड एक्चुअली इसलिए बिहेव करता था क्योंकि उसको अंदर से इन्फीरियर फील करता था इसको एक रिवर्स साइकोलॉजी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अंदर से वो बहुत इन्फीरियर फील करता है बट वो शो ऑफ करता है कि नहीं मैं तो ये हूँ वो हूँ क्यों क्योंकि उसकी जो अंदर की इन्फेरिटी की भावना है वो उससे डील कर, कर, कर रहा है और उससे ओवरकम कर रहा है उससे कॉम्पनसेट कर रहा है सो एल्फ्रेड एडलर का क्लेम था कि जो सुप्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका जन्म भी इन्फ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है क्यों क्योंकि एक इंसान को एक वही तरीका लगता है इस इंफ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स से एस्केप हो जाए एंड उसकी डिफ़िकल्टीज कम हो जाए तो बेसिकली उनका कहना था जो सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसका ओरिजिनेशन भी क्या है इन्फेोरिटी कॉम्प्लेक्स है जब इन्फ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व नहीं होते एंड अडल्ट हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं बच्चे तो वैसे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का जाल अपने आसपास बिछा लेते हैं तो फ्रेंड दिस वॉज़ अबाउट दी एल्फ्रेड एड थ्योरी मैंने एक लास्ट पॉइंट छोड़ा है दैट इज़ द बर्थ ऑर्डर वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी अन्यथा वो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट रखिए ताकि मैं और वीडियोस अपलोड कर सकूँ और आपको हेल्प कर सकूँ